थैंक यू एकेडमी, मुझे होस्ट भी बना दीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। मुझे अपना नाम चेंज करना है कि ओके ओके आउट सॉर्टेड। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में, आज की वर्कशॉप में। कोशिश कीजिए, अगर आप लोग सब अपने वीडियोस ऑन कर सके तो मुझे बड़ी खुशी होगी। एक इंटरैक्टिव सेशन होता है तो मजा आता है करने में, सिखाने में, और कुछ आप लोगों से भी सीखने में। तो अभी जब हम क्लास स्टार्ट करेंगे तो आप लोग सब थोड़ा म्यूट रहिएगा, क्योंकि जब हम एक जना बोलता है कुछ, अपने विचार आगे देता है, और फिर अगर कहीं किसी का माइक खुला होता है तो डिस्टरबेंस होती है ना। तो प्लीज सब लोग अपने माइक बंद कर लें जरा। और दूसरी चीज, मेरा थोड़ा से गले का इशू चल रहा था, तो थोड़ा वोकल कॉर्ड्स में इशू है, तो कभी हो सकता है आपको आवाज एकदम क्लियर नहीं आए तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। आई जस्ट ड्रिंक सम वाटर एंड अगेन वी रिज्यूम। ओके चलिए, सो विल स्टार्ट नाउ। एवरीवन इज रेडी? सो परमिशन टू शेयर माय स्क्रीन फॉर लामा फेरा? कम ऑन, मेक सम नॉइज, कम ऑन, इतने शांत नहीं बैठो। या तो अनम्यूट करके हाँ बोल दो, दैट यस वुड बी ओके। मैम, चलिए, यस मैम, यस मैम, ग्रेट, थैंक यू, थैंक यू। मैं स्क्रीन को बड़ा कर देती हूँ ताकि आप लोगों को आराम से दिखे सर। ठीक है, सब लोग म्यूट कर लीजिए प्लीज। आज मैं आप लोगों को लामा फेरा पद्धति के बारे में बताने वाली हूँ, दैट इज द लामा फेरा मोडेलिटी। अच्छा, यहाँ पर किसी को कुछ हिंदी इंग्लिश का कुछ इशू है तो अभी बता दीजिए। सो आई उसको मैं थोड़ा और इंग्लिश में बोलना फिर चाहूंगी ज्यादा, मैम किसी को हिंदी में बोलिएगा तो अच्छा होगा। मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, मैं बंगाली हिंदी हूँ, हिंदी तो इंग्लिश हिंदी दोनों मुझे चलेगा, डोंट ओके वरी। मैम, लेकिन मैं थैंक यहाँ यू। पूछ रही हूँ, किसी को हिंदी का कुछ इश्यू है तो वो, उनको ज्यादा इंग्लिश समझ आता है तो एटलीस्ट मेरे दिमाग में वो चीज रहेगी, इसलिए नथिंग एल्स। ठीक है मैम ओनली चलिए। नंबर्स यू हैव टू टेल इन इंग्लिश मैम। पुष्पा, ओके, हु इज दिस, कैन आई हैव योर नेम प्लीज? पुष्पा पुष्पा जी। ओ हाँ, नो इश्यूज, नो इश्यूज। ठीक है चलिए। आज हम लामा फेरा के बारे में जानने आए हैं। नाम आप लोगों ने सुना है लामा फेरा, एक नए टाइप की मोडेलिटी है। रेकी तो सभी ने सुना, राइट? कि रेकी होती है, हीलिंग मोडेलिटी है, सिंबल्स के थ्रू होती है, हाथ में हम सिंबल्स बना के हील करते हैं। लामा फेरा को उससे एक और स्टेप आगे का दिया हुआ है। ठीक है, लामा फेरा आज के जमाने में सबसे फास्टेस्ट मोडेलिटी कही जाती है। और आप लोगों ने लामास को तो देखा ही होगा, जैसे मैं कपड़े पहने बैठी हूँ वैसे ही वो लोग पहने हुए आपको दिख जाते हैं, एक येलो कलर का और उनके पास दुपट्टा सा होता है, या कोट वो अंदर शर्ट जैसा होता है, और एक पात्र होता है ना, माला होती। तो लामा फेरा एसोसिएट वहीं से है,
क्योंकि लामास कौन होते हैं? बेसिकली लामास वो होते हैं जो भगवान बुद्ध की जो फिलॉसफी है उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे अब आगे। तो सबसे पहले तो हम जब भगवान बुद्ध की के उसमें जा रहे हैं शरण में, तो पहले उनका आह्वान करना भी जरूरी है। तो मैं आप सभी से गुजारिश करूंगी कि लामा फेरा का एक हम मुद्रा बनाते हैं और बुद्धम शरणम गच्छामी का जो जाप होता है वो 3 बार करेंगे। उसके बाद हम अपना स्टार्ट करेंगे लामा। ठीक है, आप अपना लेफ्ट हैंड इस तरह से लीजिए। आई होप सो मैं सबको दिख रही हूँ क्लियरली, और यू वॉन्ट मी टू पिन माई सेल्फ। ठीक है ना? मैम स्क्रीन तो बड़ा कीजिए, स्क्रीन बड़ा मेरा कीजिए आपका, अभी मुद्रा दिखा रहे हैं यहाँ ना, पे। हाँ, एक मिनट एक मिनट, मैं अपने आप को ना स्पॉटलाइट पे ले लेती हूँ। अभी देखो, अभी ठीक है? नहीं मैम, नहीं मैम, नहीं अरे आया। स्पॉटलाइट पे, बाकी सब लोग म्यूट करिए, तो जब मैं बोलूंगी तो मैं ही स्क्रीन पे दिखूंगी। अभी देखो, है यस मैम, ना? नाउ इट्स क्लियर। और अगर जब मैं बोल रही हूँ आपको मेरी मुद्रा या वो देखनी है, तो मेरी पिक्चर को आप क्लिक करोगे तो मेरा बड़ा हो जाएगा और जो डॉक्यूमेंट है जो लिखा हुआ है वो छोटा हो जाएगा। सो यू कैन स्विच ईदर वेज, जो आपको ओके देखना मैम, ओके, थैंक यू। है। चलिए, लेफ्ट हैंड को इस तरह से रखेंगे जैसे हम ध्यान मुद्रा बनाते हैं, इंडेक्स फिंगर और थंब को जोड़ते हैं इस तरह से। अपने हाथ को यहाँ रखिए, ठीक है? सेम वे राइट हैंड की भी ध्यान मुद्रा बनाएंगे, इंडेक्स फिंगर और थंब को जोड़ेंगे, और ये जो लेफ्ट हैंड है इसका जो मिडिल फिंगर है उससे टच करेंगे। ये देखिए, आप लोग देख पा रहे हो? तो ये हम बुद्ध मुद्रा कहते हैं। इसको आप अपने लैप के ऊपर अपने दोनों हाथ रखो या फिर अपने हार्ट की तरफ रखते हैं हम, हार्ट चक्रा के एकदम सामने। ओके अच्छा, एक चीज और है, हम कोई भी मंत्र चैंटिंग जब करते हैं तो उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है, उसकी एक टोन होती है। ठीक है, तो हम उसी फ्रीक्वेंसी को फॉलो करेंगे। तो जब हम ये मंत्र करेंगे तो हम ये मानेंगे, एक माइंड में एक इंटेंशन रहेगी कि भगवान बुद्ध हमारे सामने हैं और वो हमें ब्लेस कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं की पद्धति है, उन्हीं के द्वारा बनाई हुई है, उन्हीं के द्वारा गाइडेड है ये। ठीक है, तो उनका आह्वान करना भी जरूरी है। चलिए हम स्टार्ट करेंगे। बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। थैंक यू। अब हम चलते हैं आगे। तो मैं अपने बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं, मैं लामा फेरा हुंकारा विद हलीम, योग माया प्राणिक हीलर, एनएलपी मास्टर प्रैक्टिशनर हूँ, ऑरा चक्रा कोच हूँ, थर्ड आई एक्टिवेशन देन मेडिटेशन कोच हूँ और लाइफ कोच हूँ। ठीक है, हीलिंग्स मेरा पैशन है और काम मेरा इंटीरियर का भी है, प्रोफेशनली इंटीरियर डिजाइनर भी हूँ और एम कॉम मतलब कॉमर्स में मास्टर्स हैं, एविएशन फील्ड से भी जुड़ी हुई हूँ, ट्रैवल एंड टूरिज्म से। लेकिन जो पैशन है वो सबसे हाई टॉप पर है, इसलिए आज मैं यहाँ पर हीलिंग्स करवा रही हूँ, करती भी हूँ और पढ़ाती भी। ठीक है, तो ये छोटा सा एक ब्रीफ है मेरे लिए, मेरे बारे में। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है,
हीलिंग की तरफ मुझे मेरी मदर लेकर गई, क्योंकि वो खुद एक प्राणिक हीलर हैं, तो एक मोटिवेशन मुझे उनसे बहुत मिला। और मैं पिछले 17 साल से हीलिंग फील्ड में हूँ, अपने पैशन को परस्यू कर रही हूँ, और थैंक्स टू एकेडमी जिन्होंने मुझे मेरे इस पैशन को और आगे बढ़ाने में मुझे हेल्प करी, और मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पा रही। ठीक है, चलिए हम लामा फेरा शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें उसके जनक यानी कि जहां से ये शुरू हुआ इसके बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताना चाहूँ। आर यू ऑल रेडी? सबने भगवान बुद्ध के बारे में तो सुना है, और ये भी सब जानते हैं कि वो पहले सिद्धार्थ नाम से, प्रिंस सिद्धार्थ मतलब राजकुमार सिद्धार्थ थे, लुम्बिनी में जो नेपाल है, ठीक है, वहां से वो उनकी जर्नी शुरू होती है जब वो पैदा होते हैं। जब वो पैदा हुए तो किसी महापुरुष ने ये भविष्यवाणी करी कि या तो ये बहुत ऊंचे स्तर का राजा बनेगा, ठीक है, या फिर ये सन्यासी बन जाएगा और बहुत ऊंचे लेवल का होगा, जो भी होगा उसका हाईएस्ट उस पे रहे। अब एक ही बेटा, तो राजा जो है वो थोड़े परेशान हो गए कि अब क्या किया जाए, तो उन्होंने एक तरह से उनको महल कैद कर दिया। महल कैद का क्या मतलब हुआ, उन्होंने सब चीजें उनको महल में ही प्रोवाइड कर, उनको बाहर देखना भी अलाउड नहीं था, महल की दीवारें काफी ऊंची थी। लेकिन अब कहते हैं जो कॉलिंग होती है, जैसे पैशन होता है, मैंने कहा मेरा पैशन है कि भाई मैं इतना सब करने के बाद भी हीलिंग्स में अपने आप को ज्यादा इंडल्ज करती हूँ, तो उसी तरह से एक कॉलिंग आती है, एक गाइडेंस आती है यूनिवर्स से, तो हर तरह की दीवारें टूट जाती हैं, हर तरह की बेड़ियां टूट जाती। उसी तरह से उनके साथ भी हुई, उन्होंने एक दिन इच्छा जाहिर करी कि मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा किंगडम कैसा है, कि मेरे जो लोग हैं, राज्य है मेरा, वो कैसा है। राजा फिर परेशान, तो उन्होंने उनके बेस्ट फ्रेंड जिनका नाम आनंद है उनको ये कार्य सौंपा कि सबसे पहले तो ये कि पूरे राज्य में ये बात कहला दी गई, ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि कोई भी किसी भी तरह का दुख इस इनके सामने नहीं आना चाहिए, जहां से इनके मन में किसी के लिए भी इमोशंस या एम्पैथी मतलब जागृत हो। एम्पैथी का मतलब कि आप सहानुभूति जिसको कहते हैं। तो इनका जो बेस्ट फ्रेंड था आनंद, वो ही इनका सारथी बना, वो इनको राज्य में लेकर गया, दरवाजे खुले बाहर निकले। अब जैसे वो आगे बढ़े, कहते ना होनी को कोई नहीं टाल सकता, तो सबसे पहले इन्हें एक बूढ़ा आदमी दिख गया, तो इनके मन में क्वेश्चन आया कि ये कैसा है, ये आदमी तो बहुत अलग दिख रहा है। तब उन्होंने आनंद ने उनको एक्सप्लेन किया कि ये तो जीवन मरण का सर्कल है, और इंसान जब पैदा होता है, फिर जवान होता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता है, और फिर बूढ़ा होता है, इसलिए ये बूढ़ा है, इसलिए ऐसी कमर झुकी है। आगे गए तो एक डेड बॉडी दिख गई, एक मरा हुआ, मतलब एक जा रहे थे एक अर्थी लेकर। ये क्या है? बोले जब बूढ़ा हो जाता है इंसान तो मर जाता है, जब उसके शरीर में जान नहीं रहती है। तो वो इस तरह से उनको एक्सप्लेन करता गया कि हर एक स्टेप किस तरह से होता है। उसके बाद एक बीमार आदमी भी दिखा उनको, तो अब ये तो समझ गए कि बूढ़ा हो गया और मर गया, अभी बीमार क्या? तो बीमार फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जब इंसान के अंदर कुछ इम्बैलेंसेस होते हैं तो वो बीमार पड़ जाता है, फिर उसे दवाइयां औषधियां खानी होती हैं, तब वो ठीक होता है, अपनी दिनचर्या कर सकता है। ये भी समझ आ गया। अब इसके और आगे चले तो उनको एक सन्यासी दिख गया, तो बोले ये क्या है, ये कौन है, ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कि वो जब सन्यासी है उसके आगे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, वो उनको बुलाता है अपने पास, समझाता है कुछ, और वो बड़े खुश होके चले जाते हैं वापस। फिर आनंद ने उन्हें समझाया कि ये है, ये सन्यासी है, ये भगवान से यूनिवर्स से एनर्जी से जुड़े हुए हैं, तो जब ये हीलिंग करते हैं, ये लोगों को ठीक करते हैं, उनके दुखों को दूर करते हैं। तो बोले वो कैसे? तो बोले उन्होंने बहुत तपस्या करी है। अब जैसे कहते हैं ना, कांटा अटक जाता है दिमाग में, तो बस राजकुमार सिद्धार्थ के दिमाग में एक कांटा अटक गया कि भाई बहुत मेडिटेशंस और स्पिरिचुअली जाओगे तो आप दूसरों की मदद कर सकते हो, उनको हेल्प कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से वो
उनका जो माइंड था, जो उनके थॉट प्रोसेस थे, वो इस तरह से मेडिटेशंस और हीलिंग्स और स्पिरिचुअलिज्म की तरफ डाइवर्ट हुए। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, अपना घर छोड़ दिया 16 साल की उम्र में। 16 साल की उम्र में घर छोड़ा, वन वन भटकते रहे, शादी हो चुकी थी, बच्चा भी हो चुका था, लेकिन कहते हैं ना, कॉलिंग जब आती है आप रुक नहीं सकते। तो एक दिन रात के अंधेरे में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, त्याग दिया, जंगल जंगल भटकते रहे, कई लोगों के साथ, कई साधुओं के साथ टाइम गुजारा, वक्त व्यतीत किया अपना बहुत। और उनका सिर्फ एक यही था कि मुझे उस लेवल पे पहुंचना है कि मैं लोगों के दुखों को दूर कर सकूं, वो माध्यम मुझे बने। चलते रहे, बहुत साल हो गए, जब वो 35 ईयर्स के हो गए, मतलब आप सोचो 16 साल की उम्र में उन्होंने त्यागा था और 35 की एज पर आए, तो ऐसी तरह से वो साधु वो बने रहे और वो करते रहे। अच्छा, इनके ना इस सफर में पांच कहते हैं ना सीकर्स होते हैं, जो ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो एक हाई लेवल के पे हो, उनके डिसाइपल्स बनना चाहते हैं। तो ऐसे पांच योगी थे जिन्होंने को फॉलो करना शुरू करा, इनके पीछे पीछे चलते थे, जब ये मेडिटेशन करते थे तो इनके सारे काम करते थे। तो जब ये बहुत इस तरह से मेडिटेशन करते रहे, तो एक बार काफी लंबा मेडिटेशन हो गया, एक ही जगह बैठे रहे, तो इनकी बॉडी जो है वो एक सिर्फ एक हड्डियों का ढांचा बची। तो लोग इन्हें महापुरुष मानने लगे, लेकिन वहीं पास में से एक लड़की निकल रही थी गांव की, उसने देखा अरे ये साधु संत तो कितना दुबला हो गया है, पूरी हड्डियां निकल रही हैं, इसे कुछ खाया पिया भी नहीं है, यहीं बैठा है, बड़ा वीक है। उसने अपनी समझ से ये सोचा, तो उसने उनको हिला के उठाया और उनको खीर और पानी ऑफर किया। तो भगवान बुद्ध तो अपनी धुन में थे, तो उन्होंने थोड़ा सा खा लिया और पानी भी पी लिया। जब उन्होंने खाया और पानी पिया, तब उनको एक चीज का एहसास हुआ कि मैं तो इस दुनिया में हूं, पैदा हुआ हूं, यहाँ पर एक एनलाइटमेंट मिली उनको, ये कहना चाहिए कि मैं तो यहीं पर एक इस शरीर में हूँ और इस दुनिया में हूँ, है ना, तो मुझे तो जीना भी पड़ेगा। अगर मैं किसी की हेल्प करना चाहता हूँ तो मुझे अपना भी तो ध्यान रखना पड़ेगा, अगर मैं ही उतनी एनर्जी मेरे अंदर नहीं होगी तो मैं दूसरों को क्या दे सकता हूँ। तो उन्होंने वो खीर खाई, पास की नदी में स्नान करके आए, थोड़े से रिफ्रेश हुए, ये सब देखा, तो जो उनके पांच डिसाइपल्स थे वो चले। उन्होंने कहा ये तो मतलब नॉर्मल इंसान है, ये तो कुछ नहीं, ये तो खाने पीने में लग गया, कहाँ का साधु हुआ। उन्होंने उनको छोड़ दिया। अब ये सब करते करते वो उन्होंने एक ही चीज करी, जैसे आप लोगों ने सबने सुना होगा उनका एक डायलॉग है जो वो हमेशा हर घर एक ही घर के पास जाके हमेशा बोलते थे, भिक्षाम देही। तो उनका एक पात्र होता था जो किसी पूरे दिन में सिर्फ एक घर में जाते थे वो, और वहां पर खड़े होके भिक्षाम देही बोलते थे, जो भी मिल जाए उस पात्र में बस वो उसी को खाते, चाहे वो कच्चा पक्का बासी कैसा भी। तो भिक्षाम देही जो शब्द है वो वहां से है। ठीक है, अब ये होता रहा। अब एक दिन फुल मून टॉरस, आप लोगों ने सबने बुद्ध पूर्णिमा सुना है ना, जो पूर्णिमा अभी मार्च अप्रैल में के आसपास आती है, जून, वो एक टाइम होता है उसका, तो उससे 49 डेज पहले वो एक बोधि ट्री के, बोधि ट्री क्या होती है, बोधि ट्री मतलब पीपल का पेड़, ठीक है, बोधि ट्री कोई एक नया पेड़ नहीं है, वो नॉर्मल पीपल का पेड़ होता है जो हम लोगों सबने देखा हुआ है। ठीक है, तो वहां पर वो बैठ के तपस्या कर रहे थे, उनको 49 डेज हो गए, ओके 39 दिन, राइट 49 दिन, सॉरी 49 दिन। तो 49 दिन के बाद टॉरस मतलब प्लेनेटरी पोजीशंस, ध्यान दीजिएगा, फुल मून जब वृषभ राशि में आए, ठीक है, टॉरस में, और वही टाइम होता है जो मंथ में वो बुध पूर्णिमा आती है, जब वृषभ राशि उसमें मून जाता है, ठीक है, तब उस दिन अचानक से एक लाइटनिंग हुई, यूनिवर्स से एक लाइट आई जो उनके क्राउन चक्रा में एंटर करी और सारे चक्रास में करके धरती में चली गई। अब
ये उनका था एनलाइटमेंट का डे, ठीक है। वहां से उनको सारे ज्ञान प्राप्त हो गए, वो शून्य सिद्धि में चले गए, क्योंकि 49 डेज की उन्होंने सिद्धि कर ली थी। तो जब वो सिद्धि हुई तो वो उस शून्यता में चले गए जहां उनको सारे ज्ञान प्राप्त हो गए, ठीक है। अब जब ये जो लाइट था, जो डिवाइन एनर्जी थी, वो जब नीचे गई, धरती में गई, तो वहां पर पीपल की जड़ें भी थी, तो पीपल की जड़ों में भी वो लाइट चली गई, और वो जो प्लांट था, वो जो सॉरी पेड़ था, वो भी जगमगाने लगा, वो लाइट डिवाइन लाइट से जगमगा गया एकदम। तो उसके बाद से पीपल के वृक्षों को बोधि ट्री भी कहा जाता, ठीक है। तो इस तरह से ये एनलाइटमेंट उनको उस दिन मिली, और पीपल का जो वृक्ष था उसको बोधि कहा गया, कि जहां पर आपको आपकी बुद्धि को एक एनलाइटमेंट मिलती है, एक उच्च लेवल मिलता, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर है? बोर तो नहीं हो रहे ना आप लोग? बता दीजिएगा अगर जहां भी हो, तो फिर थोड़ा सा कुछ फन करेंगे, फिर वापस शुरू कर देंगे, ठीक है। एक्सक्यूज मी, इसमें शून्यता को प्राप्त हुए का मतलब क्या है? हाँ जी, शून्यता का मतलब होता है जब आप उस लेवल पर आ जाते हो मेडिटेशन में, और आपका जो आपकी ब्रह्म नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है, और आप अपनी कॉस्मिक एनर्जी को एक्टिवेट करके यूनिवर्स की एनर्जी से एक कर लेते हो, और सारे थॉट प्रोसेस खत्म हो जाते हैं। मतलब इट इज अ जीरो लेवल थॉट प्रोसेस, ओके। वहां पर आप ट्रांस, जिसको एक शब्द भी कहा गया, ट्रांस में जाना, आप लोगों ने सुना भी होगा इस बारे में, जहां पर हर तरह के आपको एहसास खत्म हो जाते हैं। इस शरीर का एहसास खत्म हो जाता है, सोच का एहसास खत्म हो जाता है, अपने सराउंडिंग्स में आप कहाँ हो उसका एहसास खत्म हो जाते हैं। उसको हम शून्य सिद्धि कहते हैं। जो आप लोगों ने देखा होगा ना, लोग ये जो बड़े बड़े महात्मा हैं, सन्यासी हैं, जो समाधि लेते हैं, सुना है ना समाधि के बारे में? देखा भी होगा जैनियों, जैन मुनि में तो काफी होता है ये, है ना। जो समाधि लेते हैं वो शून्य सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं, तब जाके वो समाधि ले, वो एक प्रोसेस है, ठीक है, जहां उनको किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। इज इट क्लियर नाउ? जिसने पूछा था, आई एम आस्किंग दैट पर्सन, क्योंकि मेरा वो चल रहा है ना। यस यस, इट इज क्लियर, थैंक यू, ओके, थैंक यू। थैंक्स। चलिए अब हम एक बहुत इम्पोर्टेंट उस पे आए हैं, लेवल पे, जहां पर जब भगवान बुद्ध को इस चीज का एहसास हुआ कि वो अब हीलिंग्स कर सकते हैं, लोगों के दुखों को दूर कर सकते हैं, लेकिन वहां भी उनको शांति नहीं थी, फिर उन्होंने चार ट्रुथ, नोबल ट्रुथ कहे जाते हैं, द फोर नोबल ट्रुथ्स ऑफ भगवान बुद्ध, ठीक है। उन्होंने कहा कि भाई पहले, अभी आपको तकलीफ है या नहीं है, मैं ऐसे कैसे किसी को भी ठीक कर दूं? और ये कैसे पता चला उनको, ये भी सॉरी एक छोटी सी स्टोरी और है इसके पीछे। जब उनको ये एनलाइटमेंट मिल गई कि वो किसी को भी ठीक कर सकते हैं, क्योंकि वो तो शून्य सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं, वो हवा में ऐसे हाथ घुमाएंगे जो चाहेंगे ले लेंगे, किसी के ऊपर हाथ रख दिया उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, अब उन्होंने ये शुरू कर दिया, तो वहां पर ऐसा कहा जाता है कालांतर में कि हमारे जो त्रिदेव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, उन्होंने कहा ये तो मतलब गड़बड़ हो गई, ये तो सबको ठीक करे जा रहे हैं बिना ये समझे कि उनको कितनी तकलीफ है, क्या है, ये सब चीजें बिना समझे बस जो आता है बोलता है मुझे ठीक कर दो, वो करके छोड़ देते हैं। तो ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो पूरा इम्बैलेंस हो जाएगा अर्थ, है ना, पूरी धरती, धरती के लोग सब इम्बैलेंस हो जाएंगे, कर्मा का चक्र उल्टा चलने लगेगा। तो उन्होंने उनके जो वो थे बेस्ट फ्रेंड, जो आनंद सारथी जो थे, उनसे बात करी, उनसे मीटिंग करी, और उनको बोला कि क्योंकि अच्छा, अब एक एनलाइटमेंट के बाद, इस लेवल पे पहुंचने के बाद, भगवान बुद्ध किसी को समझते भी ये नहीं थे कि विष्णु भगवान और ये सब हैं, इन्होंने तो बस अपना वो एक एनलाइटमेंट मिल गई, तो ही वॉज लाइक टोटली आउट ऑफ ऑल दीज थिंग्स। तो आनंद को समझाया उन्होंने, और आनंद ने फिर भगवान बुद्ध से बात करी कि जब तक कोई आपके पास नहीं आता है अपनी प्रॉब्लम को लेकर, तब तक आप उसको हील मत, ठीक है।
ऐसे तो दुनिया में हजारों लोग हैं, सबको कुछ ना कुछ दुख है, आप किस किस का दुख वो करोगे, फिर इम्बैलेंस। उन्होंने पूरा उनको समझाया ये बात, तो भगवान बुद्ध को समझ आया। उसके बाद से जब कोई उनके पास जाता था, वो हर किसी का नहीं जाके, कोई बैठा है दुखी है तो उसको जाके हील करो और फिर बंद कर दिया, जो उनके पास आता था उसको ही हील करते थे। लेकिन उससे पहले वो इन चार सच्चाइयों के ऊपर उसको आंकते थे। किस तरह से? पहले तो ये कि अगर सपोज आप उनके पास गए, तो वो सबसे पहले तो आपको ये पूछेंगे कि आप सच में दुख में हो, आर यू रियली सफरिंग। पहले तो उसको समझो, है ना। दुख है, दुख शब्द है तो ठीक है भैया, दुख है हमें, किस चीज का दुख है? एक्चुअल में दुख है या आपका बनाया हुआ दुख, वो भी तो समझना जरूरी है। ठीक है, तो उन्होंने कहा द ट्रुथ ऑफ सफरिंग, कि एक्चुअल में आप सफर कर रहे हो किसी चीज को लेकर, पहले उस चीज को समझो, फिर उसके बाद इस सफरिंग का, इस दुख का ओरिजिन क्या है, आपके पास ये दुख आया क्यों है, कहाँ गड़बड़ हुई है, पहले उस सोर्स को समझो। ठीक है, फिर इस सफरिंग को खत्म करने का की सच्चाई क्या है, कि ये खत्म हो भी सकता है, ये कालचक्र है, कर्मा है आपका, या एक्वायर्ड है, या क्या है, उसकी बहुत सारी ब्रांचेस है। तो पहले उस सच्चाई को समझो कि इसका जो सोर्स है उसकी ट्रुथनेस क्या, उसके बाद आप उस रास्ते पर चलो जिससे ये आपकी सफरिंग्स खत्म हो सके। तो उन्होंने उसको अपनी लैंग्वेज में तीन नाम दिए। पहला कि दुख आप समझो कि आपको है, सफरिंग्स है, उसको दुखा कहा गया। फिर उस दुख का ओरिजिन क्या है ना, उसकी सच्चाई क्या है, उसको उन्होंने समुदाय कहा। उसके बाद इस रोग को या इस सफरिंग को खत्म करने की सच्चाई क्या है, पहले तो ये कि इसका ओरिजिन की सच्चाई क्या है, फिर इसको खत्म करने की सच्चाई क्या है, उसको इन्होंने निरोधा कहा। और फिर उसके बाद इस सफरिंग को खत्म करने का जो सही रास्ता है, जो सही पाथ है, वो उसको उन्होंने मगा कहा। ठीक है, ऑल क्लियर। तो इस तरह से भगवान बुद्ध के चार नोबल ट्रुथ्स हैं जो लामास फॉलो करते हैं, और जो अब हम लोग भी जो लामा फेरा सीखेंगे, हमें भी यही फॉलो करने हैं। बट ये हम काफी सटल वे में फॉलो करेंगे, हम सिंबल्स के थ्रू और स्कैनिंग्स के थ्रू इन चीजों को समझेंगे। क्लियर? अभी तक यहाँ पर किसी को कुछ क्वेश्चन है तो पूछिए, फिर हम आगे बढ़ते। एनी क्वेश्चंस? वेरी नाइस, किसी को कुछ क्वेश्चन नहीं है। चलिए, अब ये तो बात रही, अब पहला क्वेश्चन जो है दुख। पहले सबसे पहले अगर कोई किसी के पास आदमी, मुझे बड़ा दुख है ना, अभी दुख आपके अंदर आता कैसे है ये भी तो समझो। जब तक आपको उसका समझ ही नहीं आएगा कि आप दुख कैसे अपना लेते हो, जब बच्चा पैदा होता है तो उसको कोई दुख होता है? नहीं होता है, वो तो फ्री है। कैसे दुख हमारे पास आते हैं, सबसे पहले तो इस चीज को समझो। ठीक है, हमारे पास जो दुख आते हैं या जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, डिस्कम्फर्ट्स आते हैं, वो हमारी पांच सेंसेस के थ्रू आते हैं। या तो हम कोई चीज को देखेंगे, है ना, या सुनेंगे, ठीक है, या उसकी स्मेल लेंगे, या टेस्ट करेंगे, या फिर उस चीज को टच करेंगे। तो ये जो पांच सेंसेस होती हैं हमारी, इसके थ्रू ही हमें सब चीजें एक्वायर होती हैं, राइट। अब ये हो गया, अब ये जो सेंसरी नर्व्स होती हैं हमारी, जो हमारे पांच सेंसेस होते हैं, इसमें डाटा स्टोर हो जाता है। जैसे अगर मैंने किसी चीज को टच किया, आग को टच किया, तो मुझे पता है कि ये गर्म है और इससे मेरा हाथ जलेगा, तो वो एक डेटा मेरे पास आ गया ना। तो जब भी आग होगी तो मैं दोबारा उसको टच नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि इससे मुझे क्या होगा। सिंपल। तो इस तरह से ये डेटा हमारे अंदर स्टोर हो जाता है इन पांचों सेंसेस के थ्रू। ओके, अब ये डेटा तो स्टोर हो गया, हमारी कम्युनिकेशन है, हम उसी के ऊपर जजमेंट्स बना लेते हैं कि ये चीज करनी है नहीं करनी है, हमें क्या लेना है क्या नहीं लेना है, कभी इमोशन होकर किसी ना किसी तरह से हम इन चीजों को अपनाते रहे। ठीक है, अब जब ये हो गया, तो इसके बाद आपका क्या है, आपकी जो
सबकॉन्शियस माइंड है उसमें ही डेटा स्टोर हो गया है ना। अब कहीं पर भी, जैसे मैंने आग का ही एग्जाम्पल दिया है, अगर कहीं पर भी आग होगी या आप उसके बारे में सोचोगे तो आपके अंदर वही इमोशंस जागृत होंगे जब आपने उसको पहली बार टच किया था और आपको फीलिंग आई थी। तो इसी तरह से हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है और इसी तरह से काम करता है, राइट। और हर एक चीज को उसी तरह से बाइफोकेट करता है। अब इसके बाद जब हम, एक शब्द है अलय कॉन्शियसनेस, अलय कॉन्शियसनेस मतलब सुप्रीम कॉन्शियसनेस आप इसको कह सकते हैं, ठीक है, जहां पर हमारे कर्मा की जो एनर्जी है वो स्टोर हो जाती है। अब ये किस तरह से जा रहा है वो देखिए। पहले तो हमारी कॉन्शियसनेस में हमने सराउंडिंग से चीजें लेके अंदर ली, उसके बाद एक हमारे कर्मों की जो कॉन्शियसनेस है वो भी आ गई हमारे अंदर। और जब हम इन दोनों चीजों को समझ जाते हैं तो हमें उस चीज को ठीक करने की बुद्धि आ जाती है, ठीक है। उसी को कहते हैं बुद्धा नेचर। तो हम सब बुद्धा हैं, हम इस चीज को अटेंड कर लें तो हम सभी बुद्धा हैं। समझ जो है, मेन कॉज को समझने की, किस तरह से आपने चीजों को लिया है, किन चीजों को आप अवॉइड कर सकते हो, सराउंडिंग से आप क्या ले रहे हो, क्या आपके कर्मों का हिसाब किताब है, इन सब चीजों की जब आपको समझ आ जाती है तो उसको हम बुद्धा नेचर कहते हैं कि बुद्धा प्रवृत्ति कहते हैं। ये क्लियर हुआ? इसको 8 फोल्ड पार्ट्स भी कहा जाता है, इस चीज को 9 फोल्ड पार्ट्स, पार्ट्स ऑफ। ये चीजें क्लियर है आपको? चलिए, ओके मैम। सो अब लामा फेरा क्या है? अभी यहां तक तो हम थोड़ा सा प्रिपरेशन कर रहे थे कि थोड़ा भगवान बुद्ध के बारे में जान रहे हैं, उनके पाथ्स क्या हैं। अब उन्होंने जो लामा फेरा पद्धति बनाई है वो क्या है? लामा फेरा दो शब्दों से बना हुआ वो है, यूनियन है। लामा वो है जो भगवान बुद्ध के पाथ को फॉलो करते हैं, और फेरा वो है जो आप बॉडी, जो पेशेंट होता है या जो भी पर्सन है जिसकी आपको हीलिंग करनी है, उसके चारों तरफ आप फेरा लेते हो। एनर्जी हीलिंग बोलते हैं इसको, एनर्जी फेरा लेते हो, वो फेरा वो। क्लियर? ये तो हुए हमारा भगवान बुद्ध की तरफ से जो हमको सिखाया गया। लेकिन देखिए, भगवान बुद्ध एक अलग एरा में हुए हैं, आज से 700 700 उनका कुछ है वो, है ना, 700 साल पहले हुए हैं, ठीक है। उस टाइम में और अब के टाइम में बहुत डिफरेंस। आप उस टाइम पे जो लामाज होते हैं, और आज भी जो लामाज हैं तिब्बत में हैं और जो नेपाल साइड में है, नॉर्थ साइड में जो लामाज है ना, वो पद्धति वो फॉलो करते हैं जो भगवान बुद्ध ने सिखाई, जो बुद्ध दर्शन जो है उसके अंदर जो सिखाया गया है वो उसी को फॉलो करते हैं, ठीक है। लेकिन हम आप जैसे जो इंसान हैं, जो नॉर्मल लाइफ जीते हैं, हमें भी तो अपने दुखों को दूर करना है, हमें भी तो कहीं ना कहीं, हम कहीं ना कहीं फंस जाते हैं जाके, हमें उन चीजों से बाहर आना। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है डॉक्टर एस के सैनी जी का, जिन्होंने इस चीज के ऊपर काफी शोध किया, बहुत सारे सन्यासियों के साथ रहे, साधुओं के साथ रहे, और इस लामा फेरा पद्धति को सीखा लामाओं से अलग अलग जगह पर जाकर। और फिर उन्होंने उसको सिंबल्स में ऑलरेडी ढली हुई थी ये, लेकिन उसमें से 12 सिंबल लेकर उसको एक प्रोसेस में ढाला और हम जैसे लोगों तक पहुंचा दिया, बहुत सिंप्लीफाई कर, ठीक है। डॉक्टर सैनी जी का जन्म 1964 में हुआ था, उन्होंने 12 साल की उम्र में घर छोड़ दिया था। और लामा फेरा बहुत पुरानी पद्धति नहीं है जो हम लोगों के बीच में आई है, ठीक है, हम लोगों के बीच में बहुत पुरानी नहीं है, लेकिन एक्चुअल में बहुत पुरानी है। वो बौद्ध दर्शन में इसका उल्लेख है, सिंबल्स का, ठीक है। तो सिर्फ ये 1998 में ही ओपन हुई है हम लोगों के लिए।
और ये दिल्ली में सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुई थी। सैनी जी दिल्ली में ही रहते थे, इनको प्रोफेसर भी कहा जाता है, और ये फाउंडर है आज की इस लामा फेरा पद्धति के। यही फाउंडर है हुंकारा विद हलीम के, योग माया के, शाल्विक मंत्र रहस्य के, और ग्रैंड मास्टरशिप आपका ट्रिनिटी और सरोपा, ये सारे इनकी पद्धतियां। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास बहुत सिंप्लीफाई होके ये पद्धतियां आई, मोडेलिटीज आई। चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको लामा फेरा के बेनिफिट्स बताऊंगी। लामा फेरा तो आपको सब क्लियर हो गया ना कि कैसे आया है, कहाँ से आया है। एक छोटा सा मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया है इसका। अब जो आप लोग सीखोगे लामा फेरा, उसके बेनिफिट्स भी आपको पता होने चाहिए। तो लामा फेरा जो है वो आपके स्ट्रेस और डिप्रेशंस को दूर करता है। अभी पहले मैं ये बताऊंगी, फिर मैं बताऊंगी कि किस तरह से आपकी बॉडी पे काम कर, ठीक है। ये स्ट्रेस और डिप्रेशन को दूर करता है, आपको एंजाइटी और फियर से दूर करता है, ये इवल स्पिरिट्स नेगेटिव एनर्जी से आपको दूर करता है, ये जो है आपकी मेमोरी को इंक्रीज करता है, आपको हायर लेवल ऑफ कंसंट्रेशन पर लेकर जाता है, ये विल पावर को स्ट्रॉन्ग करता है, आपके पास्ट लाइफ इश्यूज को, आपके कर्मास को दूर कर, मतलब आप काटता है। फिर एनर्जी लेवल्स जो होते हैं हमारे, कभी हम बहुत डल हो जाते हैं, कभी होता है ना हमारे अंदर एनर्जी नहीं है, किसी ना किसी के ऑरा में डिप्लीशंस हैं, चक्रास में डिप्लीशंस हैं, तो ये सब उनको टेक केयर करता है। वास्तु हीलिंग लामा फेरा से बहुत अच्छी होती है, बहुत इफेक्टिव है, और बिजनेस हो चाहे प्रॉपर्टी हो, आपकी हेल्थ इश्यूज को कंट्रोल में लाता है। बेसिकली आपके कंप्लीट बॉडी के ऊपर, हर एक नर्व के ऊपर ये काम करता है, चाहे आपके मसल्स हो, बोन्स हो, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हो, आपकी स्ट्रेंथ हो, और इन सब चीजों को पे ये काम करता है। ये आपको अलर्ट करता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, और आपकी डिजीज के रूट कॉज पर काम करता है। ओके, सो काफी सारे बेनिफिट्स हैं इसके, है ना। चलिए, अब ये सब क्यों होता है, कैसे होता है, ये मैं थोड़ा सा आपको बता। देखिए, ये सब हम इसलिए अटेंड कर पाते हैं क्योंकि लामा फेरा जो है वो 3 स्टेजेस पर हीलिंग करता है। पहली स्टेज होती है फिजिकल जनरल हीलिंग, उसमें हमारा फिजिकल बॉडी आ जाता है, कंप्लीट फिजिकल बॉडी, ठीक है। तो जितने भी मैंने बेनिफिट्स बताए फिजिकल एलिमेंट्स को दूर करने के, वो सब इस जनरल हीलिंग में कवर हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है मेंटल साइड। मेंटल साइड में हमारा क्या आ गया, कंसंट्रेशन आ गया, बैलेंसिंग ऑफ लेफ्ट राइट ब्रेन एंड एवरीथिंग, ठीक है ना। कंप्लीट आपके सारे गुण, जो 3 गुण होते हैं, सत्व रजस और तमस, इनको भी बैलेंस हो जाता है इसके अंदर। तो ये इस तरह से हमारा मेंटल साइड को भी कवर करता है, ठीक है। उसके बाद फिजिकल साइड, जो जैसे हम कहते हैं कि ईवल आई हो गई, या इस टाइप की जो चीजें हैं हमारी बॉडी की एलिमेंट्स, फिजिकल एलिमेंट्स, जनरल हीलिंग में अंदर की नर्व्स भी कवर होती हैं, फिजिकल में भी अंदर की नर्व्स सब कवर होती है, हमारे थॉट प्रोसेस को भी कवर करता है, नेगेटिविटीज निकालता है। तो ये 3 स्टेजेस में हम इसकी हीलिंग करते हैं, ठीक है। उसके ऊपर श्वेता जी हमें भी सुना दीजिए आप क्या गा रहे हो। नहीं मैम, मैं कुछ भी नहीं कर रही, आपको सुन रही हूँ मैम। आप वो कर रहे हो ना, हमिंग कर रहे थे। चलिए, ओके। सो लामा फेरा की 3 स्टेजेस होती हैं, जनरल हीलिंग, देन हीलिंग ऑन द मेंटल साइड, एंड हीलिंग ऑन द फिजिकल साइड, ठीक है। तो ये ओवरऑल कंप्लीट कवर कर लेता है आपको। बेसिकली अगर आप लोगों ने देखा हो तो हमारे अंदर जो नर्व्स होती हैं वो कहीं ना कहीं, कहीं कुछ ना किसी बात पे ब्लॉकेजेस आ जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आती है, उसी वजह से होता है ना, इम्बेलेंस की वजह से। तो ये सब चीजें उससे क्लियर अप होती हैं। अब लामा फेरा सीखने के, देखिए पहले है किस तरह से होती है, इट इज डन इन 3 स्टेजेस, बट लर्न करने के 3 फेज हैं इसमें, ओके। वो 3 क्या है, पहला फेज होता है लेवल 1, जिसके अंदर 6 सिंबल सिखाए जाते हैं और उनका प्रोसेस सिखाया जाता है, और उसमें एक अट्यूनमेंट होती है, 1 अट्यूनमेंट इन फर्स्ट फेज, क्लियर। उसके बाद आता है सेकंड फेज, जिसके अंदर लेवल 2 कहा जाता है, जिसको जो मास्टर लेवल भी होता है। इस लेवल को करने के बाद आप दूसरों को पढ़ा भी सकते हो इस मोडेलिटी को, ठीक है। ये टीचर लेवल होता है, इसके अंदर
नेक्स्ट 6 सिंबल आते हैं, 6 सिंबल्स आते हैं, और इसके अंदर 2 अट्यूनमेंट होती है, क्लियर। इसके बाद थर्ड फेज आता है जिसको हम कहते हैं सिद्धिकरण, तो वो 11 to 21 डेज का होता है, वो आपके ऊपर है, आप 11 दिन करो चाहे आप 21 दिन करो, ये आपके ऊपर है। मैं प्रिफर करती हूँ 21 दिन करना, बहुत सारे मेरे ऑलरेडी जो स्टूडेंट्स हैं जो कर चुके हैं वो 21 दिन के बाद भी करना चाहते हैं, इतना उनको अच्छा लगता है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस तरह से इसके 3 फेज होते हैं जिसमें ये दिया जाता है। इसमें जो अट्यूनमेंट्स होती हैं वो 1 to 1 होती हैं, ग्रुप अट्यूनमेंट्स नहीं होती हैं लामा फेरा में। उसका रीजन मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली अगर आप लोगों ने अभी तक फेजेस और नोबल ट्रुथ्स और इन सब चीजों के बारे में जो सुना है, तो हर एक इंसान की सफरिंग इंडिविजुअल होती है, हर एक इंसान का सोल पर्पस अलग होता है, उसके अपने अलग कर्माज होते हैं। तो यहाँ पर हम ग्रुप हीलिंग नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पर हम हर एक इंडिविजुअल सोल को इन्वोक करते हैं, और जब आप किसी के सोल के ऊपर काम कर रहे हो तो वो एक ही इंसान के ऊपर करोगे ना, आप सबके सोल को एक साथ ला दोगे, सबके सोल की प्रॉब्लम्स अलग हैं, सबके फिजिकल एलिमेंट्स अलग हैं, सब कुछ अलग, तो एक साथ इसकी हीलिंग्स नहीं होती हैं, और एक साथ अट्यूनमेंट भी नहीं दी जाती, तो इंडिविजुअल अट्यूनमेंट्स होंगी, ठीक है। तो सबको 3 अट्यूनमेंट मिलेंगी, फर्स्ट मंथ में 1 और सेकेंड मंथ में 2, ठीक है। तो वो मैं, जब आप कोर्स ज्वाइन कर लोगे तो उसकी आपको डिटेल्स सब ग्रुप में आती रहेंगी, कैसे कब होगी, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई कुछ पूछना चाहता है यहाँ तक? मैम ऑल क्लियर गुड, है। चलिए ग्रेट। तो ये फेजेस इसमें डिटेल में मैंने समझाए हुए हैं, जिसमें फर्स्ट फेज में जो फर्स्ट 6 सिंबल्स हैं उसके साथ आपको हिस्ट्री कंप्लीट आएगी, ऑरा और चक्रा आएगा, कि आपके ऑरा और चक्रा आप कैसे पता करोगे। अभी क्या होता है, जब आपके पास कोई क्लाइंट आता है या कोई पर्सन आता है जिसको कोई तकलीफ है ना, वो अपनी तकलीफ आपको बता रहा है, लेकिन एज अ हीलर आपकी ड्यूटी बनती है कि उसकी डेप्थ में जाओ, है ना। जो उसने बोला आप उसके ऊपर हीलिंग नहीं करोगे, क्योंकि हमेशा याद रखिए जो प्रॉब्लम दिख रही है उसका सोर्स कहीं और होता है, सोर्स सिर्फ वहां नहीं होता है जो दिख रहा है। घुटने में दर्द है तो उसके पीछे कुछ और चीज चल रही है, तब जाके वो दिख रहा है कि घुटने में दर्द है। गले में इश्यू आया है, बंद है, तो कहीं ना कहीं कुछ और सोर्स है। फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत फनी सा छोटा सा एक एग्जाम्पल देती हूँ, अब आपने ठंडा पी लिया, बर्फ खा ली बहुत सारी, ठीक है, गला बंद हो गया, तो गला बंद होना इज नॉट अ प्रॉब्लम, उसका सोर्स क्या था, आपने बर्फ खाई थी। तो हर एक का जो सोर्स है वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऑरा चक्रा बहुत काम आता है। फाइनेंशियल इश्यूज है, अब अगर फाइनेंशियल इश्यूज हैं तो कहाँ तकलीफ है, कहाँ पर सोर्स है उसका, कहाँ पर गलतियां हो रही हैं, तो ये तो हमको पता होना चाहिए ना, तभी तो हम उसको हील कर पाएंगे उन चीजों को लेकर। तो ऑरा चक्रा इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट फेज में आप लोग ऑरा चक्रा सीखेंगे, और फिर उसके बाद 6 सिंबल सीखेंगे और एक अटूनमेंट दिया जाएगा। सेकेंड फेज में सेकेंड 6 सिंबल्स जो हैं वो सीखेंगे, तो ऐसे हमारे टोटल 12 सिंबल्स हो जाएंगे, और यहाँ पर आपको 2 अट्यूनमेंट्स दिए जाएंगे जहाँ पर प्योरिफिकेशन होती है आपकी, और आपको टीचर लेवल की अट्यूनमेंट दी जाती है, ठीक है, वो सेकेंड मंथ में होता है। यहीं पर आपको प्रैक्टिस जो होती है वो आपको बताई जाती है, किस तरह से इनको कैसे कैसे सिंबल्स को यूज करना है, कंप्लीट PDF दिए जाएंगे। थर्ड फेज जो है वो सिद्धिकरण का फेज होता है, जो मेरी आवाज में आपको ऑडियो मिलेगा, जो आपको 11 या 21 दिन तक डेली करना है। अगर आप बीच में रुकते हैं तो आपको फिर से फर्स्ट से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो एक कंप्लीट पैकेज जैसा होता है वो सिद्धिकरण का, जहां पर आप आत्म शुद्धिकरण इसको बोल सकते हो, है ना, उसके बाद ही आप हीलिंग स्टार्ट करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे, ओके। सो ये 2 महीने का ये हमारा कोर्स वो रहेगा, और उसी के बीच में मैं कोशिश करती हूँ कि बीच में ही आपको 11 11 21 21 दिन इतना गैप मिल जाता है, साथ साथ में ही करवाना शुरू कर देती हूँ, ताकि जब तक कोर्स खत्म होता है तब तक आपका सिद्धिकरण भी खत्म हो जाए, ओके। सो ज्यादा से ज्यादा और 5 1 बचते हैं, ज्यादा नहीं बचते, अगर आप रेगुलर मेरे साथ साथ करते हो तो, ठीक है। तो बहुत ज्यादा टाइम मैं नहीं लेती हूँ, उसके बाद कोशिश करती हूँ 2 महीने में आपके दोनों सिद्धिकरण, फर्स्ट फेज के और सेकंड फेज के, दोनों खत्म हो जाए, ठीक है। उसके बाद आप अपनी हीलिंग करेंगे और उसके बाद ही दूसरों की हीलिंग करेंगे, क्योंकि शुरुआत खुद से करनी चाहिए, राइट।
है ना, पहले खुद को ठीक कर लो फिर दूसरों को ठीक करो। जैसे भगवान बुद्ध ने भी पहले खुद खीर खाई, अपने अंदर एनर्जी लाए, फिर दूसरों की हीलिंग शुरू करी, है ना, राइट। तो अब बताएं, यहाँ पर किसी को कुछ पूछना है तो आपको। मैडम एक बात बताएंगे कि जब हम लोग बैठते हैं हीलिंग में तो नींद आ जाती है। सॉरी सर, एक एक सेकंड दीजिएगा मुझे प्लीज प्लीज। हाँ जी सर, मैडम करें। लोगों ये क्वेश्चन आता है कि जब हम लोग सिद्धि में बैठते हैं या ध्यान में बैठते हैं तो नींद आ जाती है, उसको क्या माने हैं? देखिए यहाँ पर दो चीजें हैं। हाँ, यहाँ दो चीजें होती हैं। एक तो पहली चीज ये है कि आपकी नींद पूरी नहीं हुई है, ठीक है, आप अभी भी अंडर उस फेज में हो। दूसरा ये है कि जब हम मेडिटेशंस करते हैं तो हमारा जो कनेक्शन है वो स्पिरिचुअल हो जाता है, तो दैट इज द स्टेज वेर वी कॉल इट एज अ ट्रांस। तो ट्रांस में जब हम जाते हैं तो हमें अपने एनवायरनमेंट के, हमारे आसपास की जो सिचुएशंस है ना, उसका बोध नहीं रहता है। वी आर नॉट अवेयर ऑफ आर सिचुएशंस, वेयर वी आर सिटिंग, वेयर वी आर, मतलब हम क्या कर रहे हैं हमें कुछ पता नहीं होता है। जब हम ट्रांस स्टेज में चले जाते हैं और जी हमको लगता है कि हम सो गए, लेकिन वो ट्रांस स्टेज होती जी है। इफ यू हैव स्टार्टेड द मेडिटेशन जी और आप मैम एक मेडिटेशन में, आपको ऐसा लग रहा है आप सो गए होते, जी ठीक है। मैडम मैं ऑलरेडी 35 साल से गुरुद्वारे में हीलिंग करता हूँ। मुझे नहीं पता था इसे हीलिंग कहते हैं। मैं सिर पे हाथ रख के पाठ करता था, मेरे गुरुजनों से ये गद्दी मिली। अभी हाँ मैंने जी, फेसबुक पे या भी आपका देखा तो ये कि हीलिंग इसको बोलते हैं, तो ऑलरेडी मैं 35 ईयर्स से ये कर रहा हूँ। मेरे पास जी जरूर 3 3 घंटे 4 4 घंटे संगत आती है, जिसके ऊपर मैं एक मंत्र पढ़ता हूँ अपना सिर के हाथ रख के। उनके अंदर जो चीज होती है, उनके अंदर जो प्रॉब्लम्स होती है, वो अपने आप बोलने लग पड़ते हैं। जी, तो तो इस आप तरह तो से एक चोजन, चीज, सॉरी मैंने कहा फिर तो आप चोजन हो गए। मैम एनर्जीज खुद चूज चोर करती हैं अपने डिसाइपल्स। जी, जी मुझे आइडिया नहीं था कि चीज को हीलिंग बोलते हैं या क्या था। मैं सेवा के भाव से हर संडे और हर लोग पहले रोज बहुत करता था, लेकिन अब मैं सिर्फ संडे के संडे ही बैठता हूँ गुरुद्वारे में। अच्छा, उसको खैर गुरबानी बहुत से करते हैं, सुखमनी साहब से या अखंड पाठ से, उस जी। चीज में है। मुझे क्या देखिए एडवाइस करते हैं आप? मैं आपको सिर्फ एक ही चीज बोलूंगी कि आप ग्राउंडिंग भी साथ साथ करा करें। जमीन धरती से बस आप जुड़े हुए हैं, वो तो है, वो दिख रहा है आपका ऑरा बहुत शाइन कर रहा है, आई कैन सी इट। बस ये है कि एक चीज का हमेशा आप ध्यान रखें कि ग्राउंडिंग करते रहिए। ग्राउंडिंग मैं नहीं समझ पाया क्या होती है आपकी टेक्निकल ग्राउंडिंग लैंग्वेज। होती है जमीन पर चलना, नंगे पैर जो हम जमीन पे चलते हैं, जहां मिट्टी है जी वो, उसको ग्राउंडिंग बोलते हैं। जी मैम मतलब धरती से जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि देखिए हम लोग जो हीलर्स होते हैं, जो स्पिरिचुअल काम करते हैं ना, जो जी यूनिवर्स से जुड़े होते हैं, ठीक जी है, तो लेकिन रहते तो हम धरती पर ही हैं, है जी मैम ना। तो जितना हम धरती पर जुड़े रहेंगे उतना और लोगों को फायदा देते रहेंगे, नहीं तो फिर वो धीरे धीरे हमारा इंडिविजुअल चला जाता जी है। जब आप धरती से वो हो जाते, ऊपर की तरफ आप जाने लगते हो ना, तो आपका धरती से कनेक्शन कम हो जाता है। जी मैम ठीक तो धरती पे चलना बहुत जरूरी है। और है वैसे मैडम ही आप चोजन हैं तो आपको तो वैसे ही भगवान की कृपा है आपके ऊपर, तो गॉड आप कुछ नहीं भी गिफ्टेड करेंगे तो भी मेरे ख्याल से है। अभी तक कुछ आपको इश्यूज नहीं होंगे। नहीं, मैं बहुत स्मूथली चलता रहा लाइफ के अंदर। बिल्कुल, इससे एक चीज और होती है कि जी जब मैम एनर्जीज हमारे अंदर आती हैं और हमारा प्रॉपर ग्राउंडिंग नहीं होता है, तो आपने सुना होगा, बाकियों सबने भी सुना होगा, कभी कभी हीलिंग करने वाले जो होते हैं ना, उनके सिर बहुत घूमा रहता है, थोड़ा कभी कभी गुस्सा आ जाता है कि क्या, मतलब एक इरिटेशन फैक्टर कभी कभी बढ़ जाता है, वो ग्राउंडिंग करने से खत्म हो जाता है। क्योंकि नहीं क्या होता है, मेरे आप ऊपर तरफ अपलिफ्ट हो रहे हो, एक तरह से पुल है धरती की तरफ,
और आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, तो वो इरिटेशन, वो जो खिंचाव है ना, वो कभी कभी सिर घुमा देते। में से एक ही क्वेश्चन को लोग 20-20 बार करते रहते, मैं कभी वो नहीं होता, परेशान नहीं होता। मैंने कहा ना, मैंने आपको पहले ही कहा आप चोजन है, तो वो एक अलग लेवल होता है ना। जी, तो मुझे अपना शिष्य बनाएंगी आप मैम? मैं म्यूट हुई थी, कैन यू हियर मी? आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे? यस सर। चल सो आगे थोड़ा सा हम इस चीज को खत्म कर देते हैं, फिर हम आगे अपनी बात कर सकते हैं। इसमें इस कोर्स में जब हम ये लेवल्स करेंगे, तो हमारे पास एक किट होती है जिसको लामा फेरा किट कहा जाता है, ठीक है? इसके अंदर वो ये मरून रोब आती है जो मैंने पहनी हुई है, ये स्केच्यू माला कही जाती है, ये बोधी ट्री जो मैंने कहा पीपल के जो पेड़ हैं उनको स्पेशली प्लांट किया जाता है, और उसकी जड़ों से ये माला की बीड्स बनाई जाती है, इसके ऊपर सिंबल्स बने होते हैं, आपको दिख रहे होंगे। ये होता है, फिर आपका एक वैंड आता है इसमें इस तरह का, इसको हीलिंग वैंड कहा जाता है, इसके अंदर क्लियर क्वार्ट्ज के क्रिस्टल्स भरे होते हैं। इसके बाद ये चार अर्दन स्टिक्स आती हैं, ओके, और एक बुद्धा यंत्र आता है, एक सेकंड दीजिए मैं आपको दिखा दूँ। ये इस तरह से भगवान बुद्ध का एक यंत्र है, वो आता है, ठीक है? और इसके अभी ये वाला जो यंत्र है, अभी ये बंद हो गया है, इसकी जगह एक नया यंत्र आया है, नया नहीं है एक्चुअली, ओरिजिनल यंत्र आना शुरू हो गया, ठीक है? वो थोड़ा डिफरेंट दिखता है। इस तरह से एक किट होती है और इसके अंदर सब चीजें होती हैं। सॉरी अगर सोल्टिंग किट रॉन्ग है, ठीक है? तो ये इस तरह से आती है, ओके। मैम प्राइस कितना है किट का? हाँ मैं एक मिनट आपको सब चीजें बता रही हूँ, एक सेकंड दीजिए मुझे। तो अभी तक आपको कुछ भी क्वेश्चंस करने हैं, सॉरी, तो आप लोग पूछ सकते हैं, फिर मैं आपको पूरा डिटेल दे देती हूँ इसके कॉस्टिंग और इसका भी। अभी हम थोड़ा सा ऑरा चक्र के बारे में भी पढ़ेंगे, थोड़ा सा मैं आपको जिस्ट भी दूंगी इसका, कि किस तरह से हम अपने ऑरा को देखते हैं और किस तरह से उस पर काम किया जाता है। सो नो क्वेश्चंस, मैम किसी का गुस्सा भी शांत करवा जा सकता है? बहुत आराम से, बहुत आराम से। बच्चों को भी दे सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल दे सकते हैं। प्रेग्नेंट वुमेन को मैं प्रेफर नहीं करती हूँ, बिकॉज ऑलरेडी हम, क्योंकि यहाँ पर सोल पे काम होता है और ऑलरेडी एक और सोल उसके अंदर होता है, तो वहां पर कुछ चीजें हैं जो हम नहीं कर सकते, कुछ कर सकते। और बहुत छोटे बच्चों को जहां तक हो सके ना दें तो ही अच्छा है, बिकॉज उनका जो ये होता है। इसका क्या कोई सेशन चलता, मतलब जैसे हम लोग रेकी में 11 डेज या 21 डेज देते हैं, तो लामा हाँ पेरा जी के अंदर में भी क्या? बिल्कुल, मिनिमम 3, 5, 7, 9, 11, 21 ओके मैम, अल्टरनेटिव होती है।
अच्छा, इसमें हम प्रेफर करते हैं कि आप, एक सेकेंड, इसमें हम अमावस्या के दिन मैं अवॉइड करती हूँ, बाकी अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते। मतलब अमावस्या का दिन किसी को हीलिंग नहीं करना है, यही ना मैम? हाँ, मैं कोशिश करती हूँ ना दें, क्योंकि क्या होता है ना, अमावस्या के दिन जो होती है ना, ओके एनर्जीज बहुत सारी होती है, नेगेटिव पॉजिटिव सारी होती है, ठीक है? तो जब वो एनर्जीज इतनी सारी होती हैं तो कभी कभी, हाँ जी कर सकते हैं। एक मिनट, क्या आपने बोला? आप सर अनम्यूट करके बोल दीजिए ना अगर हो सके तो। हैव हर्ड दैट पितृपक्ष रिमूवल इज नॉट पॉसिबल। ओके, देखिए सर, पितृपक्ष क्या होता है पहले तो उसको समझना बहुत जरूरी है, कि पितृ अगर, मैम, इट वाज द पॉइंट वाज पितृ दोष, दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग, नॉट पितृ पक्ष, इट वाज हाँ पितृ जी, दोष, व्हाट पितृ व्हाट, दोष, आई एम रिफरिंग टू द पॉइंट ऑफ पितृ दोष। यस यस, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। जो पितृ दोष होता है वो क्यों लगा है पहले तो उसका कारण जानना जरूरी है। बहुत अलग अलग टाइप से पितृ दोष लगते हैं, अनमैरिड के जल्दी कुछ हो गया, मतलब डेथ हो गई, बहुत सारे हैं, मतलब बीमारी के भी होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर पितृ दोष में। तो वो उसके क्लैन में जाकर देखना पड़ता है कि कहाँ से शुरू हुआ है। और हम जब पितृपक्ष की पूजा करते हैं ना, जो जनरली हम लोग करते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक ओवरऑल पूजा हर चीज की करके, इतने योनिया जो है, सॉरी, इतने एंसेस्टर्स हैं, उन सबकी हम पूजा करके कर देते हैं, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है वो पता ही नहीं होती है कि कौन से एंसेस्टर से आ रही है ये, राइट? तो वो एक अलग टाइप की स्टडी है, उससे आप करके अगर फिर लामा फेरा करोगे तो फिर तो आप 100% दूर हो जाते हैं। फिर भी कहते हैं थोड़ा बहुत रहता है, क्योंकि आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते, तो उसके लिए कुछ मेंटेनेंस चीजें चलती रहती हैं, बट फिर भी काफी हद तक ही दूर हो जाते, काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो मैम जाते। और एक जी क्वेश्चन है, हाँ बोलिए, पूछिए, अपना नाम बोल के बोलेंगे तो इजी होगा मुझे थोड़ा। मैम मैं लीना बोल रही हूँ, लीना दास वेस्ट हाँ बंगाल जी से। जी मैं जी 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 पूछना चाहती हूँ, वो जो कार्मिक है ना, कार्मिक बोलते हैं उसको, उसके ऊपर थोड़ा कुछ मुझे बोलिए। जो लोग बोलते हैं इसको हीलिंग करने से आपको कार्मिक हो जाएगा, इसको मुझे कोई मतलब धारणा नहीं है, प्लीज आप थोड़ा मुझे डिटेल्स में बोलिए। जी मैं बताती हूँ आपको, एक सेकंड दीजिए, मैं स्क्रीन वो लगा दूं जहां पर हमें इसको थोड़ा सा शेयर कर दूं, ताकि सभी को पता चल जाए। थोड़ा सा कोर्स कंटेंट पे हम एक मिनट बात कर लें, हम इस टॉपिक को खत्म कर देते हैं, फिर मैं आपके क्वेश्चंस ले लेती हूँ, चलेगा? 2 मिनट दीजिए बस। तो इसका ओके जो, हाँ, लामा फेरा का जो कोर्स कंटेंट है वो इस तरह से रहेगा कि इंट्रोडक्शन रहेगा, उसके बाद हिस्ट्री एंड लिनेज ऑफ बुद्ध इमर्जेस, जो वो कैसे आए वो सब डिटेल पे आएगा। फिर व्हील ऑफ लाइफ होगा कि वो आपको किस तरह से इफेक्ट करती है और प्रॉब्लम्स को आप कैसे स्कैन कर सकते हो। उसके बाद एनर्जीज क्या है, ऑरा चक्रा क्या है, फिर स्टूडेंट्स के लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं, वो इम्पोर्टेंट है फॉलो करना, क्योंकि लामा फेरा जो है वो गुरु शिष्य परंपरा पे आधारित है। तो यहाँ पर हमको पैरामीटर्स जो है वो थोड़े से फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है? फिर आपको लामा फेरा हीलर लेवल के 6 सिंबल सिखाए जाएंगे, हाउ टू डू हीलिंग्स ऑन वन सेल्फ, मतलब खुद पर हीलिंग और दूसरों पर कैसे आप कर सकते हैं, ठीक है? और फर्स्ट अटूनमेंट होगा, उसके लिए मैं आपको टाइम दूंगी, आप अपना नाम और वो स्लॉट बुक करेंगे और फिर मैं आपको हीलिंग उसके अटूनमेंट। एडवांस लेवल में अगेन वहां पर आपको क्रिस्टल्स के साथ हीलिंग कैसे की जा सकती है, क्रिस्टल्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी जाएगी। उसके बाद मास्टर लेवल के 6 सिंबल्स होंगे, उसके बाद 2 अटूनमेंट्स होंगे, उसमें भी सेम आपको टाइम दिया जाएगा, आप अपने नाम डालकर उसमें बुकिंग कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक सेकेंड, फिर लाइफ जो थर्ड वाला अटूनमेंट है वो भी होगा। अच्छा, सेकेंड और थर्ड अटूनमेंट में थोड़ा टाइम रहता है, एक साथ दिए नहीं जाते, उसमें कम से कम 6 से 7 घंटा मिनिमम एक उसको रहता है, तो मैं उसी हिसाब से उसको मैनेज करती हूँ, इमिजिएटली नहीं दिया जाए, ठीक है? फिर आपको प्रैक्टिस सेशन भी होगा, अगर आप लोग चाहेंगे तो आप आपस में प्रैक्टिस भी कर सकते हैं यहाँ पर।
ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी, हाउस की फैक्ट्री की, वो पूरा इसके अंदर वास्तु दोष निकालना, वो सब सेकंड लेवल में आता है, टीचर लेवल में आता है, ठीक है। फिर आप क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा, और 21 दिन का डेली गाइडेड मेडिटेशन है, सिद्धिकरण जिसको कहा जाता है, जो मैं आपको ऑडियो पर्सनली सबके अपने उस पे दूंगी कि आप कर सके डेली बेसिस पे। यहाँ तक क्लियर है? तो मैं आपको इसका एक बार फी स्ट्रक्चर बता देती हूँ। अच्छा, उससे पहले ये 18 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है क्लासेस, तो आपके पास टाइम है अभी 18 तारीख तक। बट जितना जल्दी आप करेंगे उतना अच्छा रहेगा। 2 महीने का कोर्स रहेगा ये। ट्यूसडे और थर्सडे 5:30 बजे क्लासेस होती हैं इसकी, वीक में 2 दिन, ठीक है। सारी क्लासेस जूम पर होंगी, ओके। और डाउट क्लियरिंग सेशंस रहेंगे, आपको देखते हैं। फिर एकेडमी का मेंबरशिप, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको मेंबरशिप बेनिफिट रहेगा, और सर्टिफिकेशन रहेगा आपको टीचर लेवल का, ठीक है, ताकि आप दूसरों को भी सिखा सकें। स्टडी नोट्स दिए जाएंगे, पूरा आपको कंप्लीट पीडीएफ दिया जाएगा, एक एक पॉइंट क्लियर उसमें रहेगा, किस तरह से हीलिंग करनी है, किस तरह से अट्यूनमेंट्स देनी है, वो टीचर लेवल की है, क्योंकि जो टीचर होता है वही अट्यूनमेंट दे सकता है, हीलर नहीं दे सकता। तो फर्स्ट लेवल मैम, में पीडीएफ आपको, हिंदी में होगा ना? मैं कोशिश करूंगी हिंदी में देने की, क्योंकि हिंदी का मेरे पास है शायद, देखती हूँ मैं, चेक कर लेती हूँ। कोशिश पूरी करूंगी दोनों लेवल्स के आपको हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में प्रोवाइड करने की, ठीक है। इंग्लिश में तो मेरे पास है ऑलरेडी, हिंदी में भी देखती हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको, जैसे एक स्टूडेंट ने कहा था, एक रिपीट फ्री होता है लेकिन उसमें अट्यूनमेंट नहीं दिया जाता है, पीडीएफ्स नहीं होते हैं, ठीक है। आप लाइव क्लासेस बस अटेंड कर सकते हैं, जस्ट टू रिवाइज की जो भी आपने सीखा है पहले। स्टडी नोट्स मैंने कहा दिया जाएगा, और आपको कंप्लीशन का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इज इट क्लियर इन वन गो? दैट्स ग्रेट, ओके। सो नए लोग जो हैं, जिनको मैंने अभी तक एकेडमी से जुड़े भी होंगे, मैडम, नमन मैं जी तो हैं, हाँ बोले, कौन एनरोल किया हूँ मैंने लामा फेरा का। बोल रहा है? पुष्पा पुष्पा, जी, हाँ जी, थैंक यू, मोस्ट वेलकम, आप आइए, साथ मिलके सीखेंगे। ओके, वेरी नाइस टू सी यू ऑल। मैम वन डाउट, विच वन इज पावरफुल, हुंकारा विद हलीम और लामा फेरा? देखिए, लामा फेरा जो है वो आपके फिजिकल, इमोशनल और मेंटल स्टेटस को हील करता है, ठीक है। आपकी जो व्याधियां हैं, या यू कैन से जो एलिमेंट्स हैं आपके डीप डाउन, आपके नर्व्स में बैठी हुई हैं, उन चीजों को बाहर निकालता है, आपको एक तरह से प्रिपेयर करता है सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए, ठीक है। और जो हुंकारा है वो आपको इस जीवन मरण के साइकिल से ही बाहर निकालने में हेल्प करता है, आपके कॉर्ड्स को कट करता है, आपकी बुद्धि को तेज करता है। बच्चों के लिए बहुत अच्छा है हुंकारा, बिजनेस वालों के लिए बहुत अच्छा है हुंकारा। सो आपके फिजिकल जो चीजें हैं, जब जहां आप रह रहे हो, यू नो फिजिकल एटमोसफियर सराउंडिंग्स, उसमें आपको हुंकारा विद हलीम बहुत हेल्प कर। और लामा फेरा जो है वो आपके अंदर जो ऑलरेडी चीजें हैं, आपके सोल के साथ जो आई हुई हैं, ठीक है ना, उनको ठीक करने में काम। सो दे आर टू डिफरेंट मोडेलिटीज, ठीक है, हर एक अलग अलग लेवल पे काम कर। If we know both, it is very good. पार्डन, If we know both, it is very good. बिल्कुल। आप देखो, यहाँ जिन लोगों ने लामा फेरा किया है उन्होंने 100% हुंकारा किया, क्योंकि आपको धीरे धीरे अपग्रेडेशन मिलती हैं इसमें। जब आपके सोल को पता चल जाए कि भाई आप इस दुनिया में जन्म ही क्यों लिया है, आपके सोल की पर्पस आपको पता चल जाए, तो इससे अच्छी चीज क्या है, देन यू कैन गो अहेड ना, यू आई कैन लर्न चूज योर फर्स्ट लाइफ ओमकार लाइन्स। मैम, हाँ फर्स्ट जी, आई लर्न ओमकारा विद हलीम, आपने कर लिया है वो? यस मैम, दैट्स व्हाई आई एम ओके, आस्किंग, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। तो यू नो ना कि हाउ इट वर्क्स, यस मैम। है ना। तो लामा फेरा भी आप सीखोगे, आपको बहुत डिफरेंस समझ आएगा, दोनों अलग थैंक टाइप की मोडालिटीज, है ना। यू। थैंक यू। हाँ जी, मैं हाँ कमल कमल जी कुमार बोले, बोल रहा था। हाँ हाँ बोले। ये रेकी और लामा फेरा में क्या डिफरेंस है, कैसे ये? हाँ जी, देखिए, अच्छा, थैंक यू, आपने क्वेश्चन पूछा, क्योंकि मैं वो पार्ट स्किप कर गई थी।
रेकी में आप क्या करते हो, सिंबल्स को हाथ पे बनाते हो, उसको एनर्जाइज करते हो और सामने वाले को हील करते हो, यही करते हैं ना रेकी में। यस लामा यस फेरा इज अ नॉन टच मोडेलिटी, आपको इसमें पेशेंट को टच नहीं करना है, आपका सारा काम आपकी स्टिक करती है और इसी ओके से आप उसकी बॉडी पे सिंबल्स बनाते हो और दूर से बनाते हो, उसको टच नहीं करते हो। और ना आपको अपने हाथ में सिंबल बनाने हैं, आपको सिर्फ स्टिक से ही इसके सिंबल्स बनाने, ओके ठीक है। तो एक तो ये डिफरेंस है बहुत बड़ा, सेकेंडली ये बहुत फास्ट है, जैसे अगर अभी आपने हीलिंग करा है तो इमिडिएटली सामने वाले को फर्क दिखने शुरू हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी हम ये कहते हैं कि कम से कम 5 हीलिंग करो, क्योंकि देखो क्या होता है ना, जैसे हम बोलते हैं एलोपैथी आपने ली तो अभी आपको बुखार है, आपने पैरासिटामोल ले ली तो बुखार एकदम नीचे आ गया, लेकिन फिर वो दोबारा आ जाएगा क्योंकि उसको अंदर से निकलने में तो टाइम लगेगा ना, है ना। यस तो इसी यस तरह से हम बोलते हैं मिनिमम 3 से 5 हीलिंग तो आप दो ही दो। अब बोलो क्लाइंट को नहीं कम से कम 5 लगेगी, अगर उसके बाद भी जरूरत पड़ी तो और बढ़ाओ, बट मिनिमम 5 हीलिंग्स तो आपको। इवन अपनी आपके जब सिद्धिकरण हो जाएंगे उसके बाद आप पहले खुद को हील करोगे, इसी प्रोसेस से पहले खुद को करोगे ताकि आपके अंदर जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो पहले खत्म हो जाए टोटली, ओके, तब फिर आप दूसरों को। मैं सितंबर से रेकी कर रहा हूँ, तो हाँ जी, रेकी कर रहा हूँ, लेकिन कुछ क्लियरेंस हुआ है पहले से, जो भी हमारे प्रॉब्लम्स थे हेल्थ में, लेकिन क्या है 100% क्लियर नहीं हो पा रहा है। टाइम लगता है, ये कहा ना, इसलिए लामा फेरा हुंकारा ये जो मोडेलिटीज है ये बहुत फास्ट है, बहुत जल्दी असर करती। ऐसे मैं इसमें इनरोल कर चुका हूँ। बिल्कुल आइए, आपको हाँ फर्क तो समझ में उसमें आएगा। इसमें मतलब सारा क्लियर हो जाएगा ना? देखिए पहली बात तो ये है, जब भी आप कोई चीज नई सीखते हैं ना तो सारे अपने इफ्स बट्स, ये होगा ये नहीं होगा ये सब साइड में रख के नहीं आया नहीं करो। वो मतलब क्या है, आप जो बोले कि ये बहुत स्ट्रांग है और इससे बहुत ज्यादा फास्ट हीलिंग होता है, आप अपना जो भी है सब क्लियर कर सकते हैं, तो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू। देखिए सब चीजें क्लियर कर सकते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बताती हूँ, चाहे आप कोई भी मोडेलिटी करो चाहे कोई भी हीलिंग करो, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका इंटेंशन। आप हीलिंग करते वक्त क्या इंटेंशन डाल रहे हो, क्या आप एनर्जीज को गाइड कर रहे हो। देखो एनर्जीज जब आप इन्वोक कर लेते हो ना एक बार, तो आपने एनर्जी को बुला लिया, ठीक है, उसके बाद आपको उसको डायरेक्शन देना है। अब वो डायरेक्शन आप किस तरह से दे रहे हो वो आपके ऊपर है, आपके शब्द क्या हैं, आप किस तरह से उसको बता रहे हो कि आपको इस इंसान की ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, उसके मैं वर्ड्स दूंगी आपको सब, ठीक है। ओके तो वो ओके सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कहते हैं ना वर्ड है रक्षक, अगर वही अगर आपके मुंह से भक्षक निकल गया तो खत्म हो गया, राइट। यू आर राइट। तो इसी तरह से जो हम इंटेंशन डालते हैं, चाहे जैसे मैनिफेस्टेशन, अभी किसी ने पूछा था ना विजुअलाइजेशन मैनिफेस्टेशन, उसमें भी वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि आप यूनिवर्स को क्या बता रहे हो, आप क्या चाहते हो। अगर वहीं आपका कुछ उल्टा हो गया या आपका इंटेंशन कहीं हिल गया तो ऑब्वियसली यूनिवर्स को क्या मतलब आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, वो तो जो आप बोल रहे हो जो उसको दे रहे हो पहुंचा रहे हो वहां तक वो आपको एज इट इज दे देगा, क्योंकि उसको नहीं शब्द समझ ही नहीं आता, हाँ नहीं सही गलत कुछ नहीं पता उसे। और एनर्जीज को भी यही है, उन्हें क्या मतलब कि आपको किस चीज से तकलीफ है या किस से नहीं है, आप उनको बुला रहे हो, जैसे वो जिनी होता है ना, आपने उसे जो काम ओके सौंपा वो करेगा, बस सिंपल सी बात है, ठीक है ना। ठीक है मैम। चल और बताएं। किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है, कुछ बात नहीं, ऑल गुड, दैट्स इट। लेकिन मुझे बातें करना अच्छा लगता है। अच्छा और एक चीज मैं पूछता हूँ, ये कितने दिन तक हीलिंग करने पड़ते हैं?
कंटिन्यूअस मिनिमम 5 करना हीलिंग पड़ता है, करनी है ना, लेकिन हाँ जी नहीं, मिनिमम 5 हीलिंग तो करनी ही है। अपना अगर मैं खुद को हील करना है, इसके लिए कितने हीलिंग्स करने होते हैं, जैसे रेकी में एवरीडे आई हैव टू टेक द हीलिंग्स, जो भी रेकी हीलिंग जो है। देखिए सबसे पहले तो जो आप 21 दिन का सिद्धिकरण करोगे ना, उसी में आपका काफी सारा हीलिंग हो जाता है। लेकिन ओके उसके बाद मैं आपको बोलती हूँ कि कम से कम मिनिमम खुद की 5 हीलिंग करो, ताकि आप वो प्रोसेस समझ सको कि आपको क्या करना है और किस तरह से आपके ऊपर काम हो रहा है। क्योंकि ओके बाद में आप दूसरों को करोगे ना, तो हाँ जी उनके हाँ ऊपर किस तरह से प्रोसेस करोगे वो पहले अपने ऊपर कर लो। आपको इंटेंशन दे दो, आपकी जो प्रॉब्लम है या जो भी आपको लगता है नहीं क्लीन हो रही है या नहीं हुई है, अभी भी कुछ बचा हुआ है, या किसी पर्टिकुलर चीज के ऊपर आपको अपना वो करना है, हीलिंग करना है, तो पहले उसका इंटेंशन डाल के 5 हीलिंग करो, ओके मिनिमम 5 हीलिंग्स। ठीक है, उसके बाद अगर लगता है आपको और अपनी करनी है तो आप कंटिन्यू करो। ऑल्टरनेट डे हीलिंग्स होती हैं इसकी, डेली नहीं होती, क्योंकि एनर्जीज ओके बहुत हाई होती है तो उनको सेटल डाउन होने में एटलीस्ट इतना टाइम लगता है, 24 आवर्स का। ओके मैम, ठीक ठीक है ना? है मैम, ठीक है, थैंक यू। ओके हाँ जी, और बोले। मैम ये हीलिंग सेशन में टाइम कितना लगता है? एक हीलिंग सेशन में मिनिमम आप मान के चलो, जब आप नए हो पहली बार करोगे तो आधे घंटे से मतलब 30 to 40 मिनट्स आपको लग सकते हैं। बाद में जब प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर फटाफट होते हैं। लेकिन हाँ, अब अगर देखो एक सिंपल सी बात है, आप किसी क्लाइंट की हीलिंग कर रहे हो है ना, और उससे अच्छा खासा 2100 रुपये, 5000 रुपये या जो भी आप चार्ज करते हो, ठीक है 1100 ले रहे हो, वॉट एवर यू आर चार्जिंग, तो उसको उतना टाइम तो आपको देना पड़ेगा। अब वो आपको फिगर आउट करना है कैसे देना है। दो लेवल्स होते हैं राहुल जी, पहला लेवल होता है आपका हीलर लेवल और सेकंड लेवल जो होता है वो होता है टीचर लेवल। ठीक है, तो कम से कम आप आधा पौन घंटा तो आप एक क्लाइंट को दोगे। 2 मंथ्स, फर्स्ट मंथ में फर्स्ट लेवल होगा जिसमें 21 दिन का सिद्धिकरण भी हो जाएगा आपका। सेकंड मंथ में सेकंड टीचर लेवल होगा, उसमें अगेन 21 दिन का सिद्धिकरण हो जाएगा। ओके, और वीक में 2 क्लासेस हैं तो बहुत प्रेशर भी नहीं है, 5:30 बजे से 7:30 होती है। ठीक है, और बोले सुषमा जी, आप पहले भी आए हो ना, मुझे ऐसा लग रहा है आपको देखा है मैंने। हाँ नमस्ते जी, आप पहले आ चुके हो ना, मतलब कोई कोई क्लासेस अटेंड करी हैं आपने, मुझे ऐसा याद आ रहा है। मतलब क्लास ज्वाइन नहीं की थी, बस ऐसे ही कुछ वेबिनार था अटेंड किया। हाँ वो मुझे कुछ ऐसा लग रहा है देखा हुआ साहब को। जी मैम, मैं बहुत देर से कोशिश कर रही थी मैं आपसे सीखूं। मैं दोस्त है, पहले भी कहीं और लामा फेरा का क्लास ज्वाइन की थी पर कुछ भी समझ में नहीं आया। मैं कोई बात अटेंड नहीं, नहीं थी पर जो नहीं आप समझ जो में आया बता है रही आप थी। पूछ लीजिएगा, सब बता देंगे, जो भी आपको जहाँ पे भी प्रॉब्लम है, जहाँ भी अटके हो वो क्लियर कर देंगे। ठीक है, जी मैम, जी थैंक यू। थैंक यू। ओके सो अगर सबके क्वेश्चंस मतलब हो गए हो सॉल्व, तो फिर हम वाइंड अप करें आज की क्लास। मैम आपका नंबर मिल सकता है? ग्रुप में है, जिस व्हाट्सएप चैट में है वहां ऊपर मेरा नंबर होगा, मेरा फोटो है वहां पर, तो आप निकाल सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। ओके मैम, ओके। ठीक है। एनी क्वेश्चंस या और कुछ बात करनी है तो करें, नहीं तो मैं, 9 बज रहा है तो वी कैन वाइंड अप द क्लास नाउ, इज इट ओके? तो 18 अप्रैल को मिलते हैं, ओके?
आप लोग सब आइए। राजीव जी, कहीं ना कहीं से आपका, आप भले अपना फोटो वो नहीं दिखाओ लेकिन आपका नाम दिख ही जाता है। कैसे हैं आप? मैम बढ़िया, ऋतु, आवाज चमक रही है। ऋतु बड़ा मुस्कुरा रही है कि हर बार मैम हर उसमें उनसे यही पूछती है सेकंड मैम अब तो ये तारीख में फिर ठीक मिलेंगे है, ना? मैम अब तो ये ठीक है, अब ठीक है अब आपकी तो बात भी। बढ़िया है, चलिए बढ़िया। बस अब आ जाओ फिर आप, अभी हाँ आ रहे हैं ना बहुत अब? बहुत आराम हो गया। अब हाँ आ रहा हूँ ना। आइए आइए, बिल्कुल आइए, है ना, कई महीनों का आराम हो गया अब मैडम मैं भी आ आपका। रही जी हूँ, मैडम मैं भी आ रही हूँ। मीना जी, हाँ जी आइए आइए, बिल्कुल आइए। नहीं, जी इनके राजीव जी की कहानी कुछ और है, कई महीनों से चल रही है ये जी, हमारे साथ के है ओके जी। लेकिन पीछे रह गए थोड़ा सा बिल्कुल अब साथ में आ गए बिल्कुल, ना? हाँ हाँ बिल्कुल हाँ बिल्कुल बिल्कुल आइए, राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल साथ में ही है। चलिए। एनीथिंग एल्स? राहुल जी आपके डाउट्स क्लियर हो गए? ओके थैंक यू। चलिए फिर आत्मा नमस्ते आप सभी को, गुड यस मैम, आत्मा नाइट। नमस्ते, थैंक यू मैम। श्योर श्योर राहुल जी आइए, बिल्कुल आइए, ठीक है। थैंक यू थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। चलिए आई एम क्लोजिंग द मीटिंग। ओके।